क्या आपके गांव के कुएं, नदी और अन्य पानी के स्रोत सूख रहे हैं? क्या आपके पास खेत में फसल उगाने के लिए पानी की कमी है? या आप वर्षा आधारित खेती ही कर पाते हैं, सिंचित खेती करने में आपको परेशानी होती है? इन सब परेशानियों का एक ही उपाय है, ड्रिप इरिगेशन। इस वीडियो में हम आपको ड्रिप सिंचाई के 8 बड़े फायदे बताएंगे। नमस्कार, कृषक जगत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में भी ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग अधिक कीमत वाली फसलों में, पेड़ों में और बेलों में भी किया जा सकता है। ड्रिप को सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन से अंगूर, अमरूद, आम, आंवला, अनार, चीकू, कपास, चावल, साथ ही आलू, भिंडी, गोभी, नींबू, नारियल, गुलाब तथा औषधीय और सुगंधित पौधे सभी में अधिक पैदावार ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं ड्रिप सिंचाई के 8 लाभ। पहला, ड्रिप सिंचाई में कम मात्रा वाले जल स्रोत का उपयोग किया जा सकता है। जैसे जहां पानी कम हो वहां भी कम पानी से सिंचाई हो सकती है। दूसरा, पौधों को जरूरत अनुसार सही मात्रा में पानी दिया जा सकता है। इस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से उर्वरक भी पानी में मिलाकर पौधे को आसानी से दे सकते हैं। तीसरा, ड्रिप सिंचाई से पंपिंग के लिए ऊर्जा लागत कम आती है और कम परिचालन दबाव में भी सिंचाई हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन से पौधों की पत्तियां सूखी रहती हैं और रोग भी कम होते हैं। पांचवा, ड्रिप सिंचाई में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह स्वचालन संभव है। छठवा लाभ, ड्रिप सिंचाई से खरपतवार पनप नहीं पाते, इससे खर्चा कम आता है, पानी सीधे जरूरतमंद पौधों की जड़ों को मिलता है और खेत में पानी नहीं बहता। सातवां, ड्रिप सिंचाई द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में भी सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। अंतिम लाभ, फव्वारा सिंचाई से मिट्टी का कटाव होता है और पोषक तत्वों का नुकसान होता है, इसे भी ड्रिप सिंचाई से कम किया जा सकता है। अब आप जान गए होंगे कि ड्रिप सिंचाई कितनी लाभकारी है। ऐसी कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह जानकारी जरूरतमंद किसानों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम अपनी अगली वीडियो आपकी समस्या के समाधान के लिए बना सकें। धन्यवाद।